अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और रियलिटी पब्लिक टीवी की जानिब से आपको बहुत बहुत खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसी फ़नी वीडियोस जो आप में से बहुत कम लोगों ने देख रखी होंगी। तो चलिए बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो शुरू करते हैं। ये स्टंटमैन जल्दबाजी में गलती कर बैठा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस शख्स में शैतान आ गया है, आप खुद ही मुलाहिजा करें। जिस तरीके से ये चोट खाकर गिरा है, लड़के ने लड़की के कान में क्या कहा होगा। ये शख्स कौन सी एक्सरसाइज कर रहा है, क्या आप हमें बता सकते हैं। शायद ये शख्स अलग ही तरीके से वीडियो अक्स बंद करवाना चाहता था, लेकिन इसकी गलतफहमी कुछ ही देर में दूर हो गई। क्या आप में से कोई ऐसा शख्स है जो इसकी ओवर एक्टिंग के पैसे काटे। ये शख्स स्टंट करने के चक्कर में अपनी कमर की हड्डी तोड़वाने लगा था, शायद मसूफ अपने आप को स्पाइडरमैन समझ रहे थे। क्या इस शख्स को किसी पागल कुत्ते ने काट रखा है जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जो किसी के लिए गड़ा खोदता है वो खुद इसी में गिरता है। आपको नहीं यकीन तो ये वीडियो देख लें। अगर किसी इंसान की सेहत इजाजत ना दे तो इसे इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। ये दोनों हजरात शायद आर्नल्ड का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। जरा इस लड़के की वीडियो देखिए, मुझे तो इस पर तरस आ रहा है। इस लड़के ने बिल्कुल सही तरीके से वेट उठाया था, लेकिन इसकी किस्मत ने इसका साथ नहीं दिया। इन मसूफ की खुश फहमी जल्द ही गलत फहमी में बदल गई। अगर सेहत इजाजत ना दे तो इस तरह की हरकतें भी नहीं करनी चाहिए। इस शख्स के बारे में ऐसा कमेंट पास कीजिए कि इसकी रूह तक कांप जाए। भाई, अगर आपकी सेहत इजाजत नहीं देती तो आप इस तरह की हरकतें क्यों करते हैं। अगर किस्मत इसका साथ ना देती तो इसकी गर्दन ही टूट जाती। इस वीडियो के बाद चाहिए था कि ये अपने सदके में कुछ ना कुछ लाजमी देते। इनको चाहिए था कि रावी के पुल के ऊपर खड़े होकर अपने ऊपर से सदके का गोश्त वारते। लगता है शायद ये शख्स अपनी जिंदगी से तंग था, इसीलिए इसने ऐसा स्टंट परफॉर्म किया। ये लड़की भी कुछ अनोखा करना चाहती थी, लेकिन ये बुरी तरह नाकाम हो गई। Oh, Jesus.
दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।